और इंशाल्लाह कुल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस 21 मार्च को दाता के देश लाहौर में मुनक्कद होगी। मकसद है कि हम बताएं सुन्नी होता क्या है, सुन्नी होने की शर्तें क्या हैं, सुन्नी का मकाम क्या है, सुन्नी के दलायल क्या हैं, सुन्नी की तारीख क्या है, इस मुल्क बनाने में सुन्नी का हिस्सा कितना है, इस बर्रे सगीर में इस्लाम लाने में सुन्नी की कोशिशें कितनी है, 14 सदियों में रुए जमीन पर कितने सुन्नी चांद चमके और कितने सितारों की चमक आई। हम किसी को गाली देने के लिए नहीं कॉन्फ्रेंस कर रहे, हम तो अपना आप बताने के लिए अपनी नस्लों को कि अपना शनाख्ती कार्ड याद रखो, क्योंकि हर बातिल सुन्नी लफ्ज को मिटाना चाहता है। आप अगर ये चंद साल की मेन कॉन्फ्रेंसें मुल्क में देखो तो आपको किसी बड़े लेवल पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस के टाइटल की कॉन्फ्रेंस जो जाहिर करे कि इस मुल्क की आबादी गालिब किसकी है, कई सालों तक नजर नहीं आएगी। जबकि पहले इसी नाम पर कभी सुन्नी इकट्ठे हैं मीनारे पाकिस्तान पे, कभी मुल्तान में, कभी पशावर में, कभी कहीं। तो ये लफ्ज मंजर से हटते हटते ही फिर खत्म हो जाते हैं। तो हम सुन्नी लफ्ज भी बरकरार रखना चाहते हैं, बल्कि उजागर करना चाहते हैं, और सुन्नी अकायद का भी इहया चाहते हैं। क्योंकि अवाम तो अवाम रहे, अब कई खवास भी ऐसे हैं कि जिन्हें गामे शाह और दाता साहब का फर्क याद ही नहीं रहा। कितना जुल्म है। दुनिया में लगाने निकले हैं।